नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका यूनिक आनंद चैनल में स्वागत है। तो चलते हैं, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखते हैं फॉर्मेटिंग टैग का यूज करते हुए। तो फॉर्मेटिंग टैग क्या होता है, मैंने आपको बहुत सारे टैग बताए थे फॉर्मेटिंग टैग में, जैसे अपने हमें कंटेंट को बोल्ड करना हो, टैलिक करना हो, अंडरलाइन करना हो, सबस्क्रिप्ट करना हो, सुपर स्क्रिप्ट करना हो, स्ट्राइक थ्रू करना हो, ऐसे बहुत सारे मैंने आपको क्या बताए थे, फॉर्मेटिंग टैग यूज करना बताए थे। तो मैंने आपको डियर थ्योरी भी पढ़ाया था, समझाया था, और आपको मैंने क्लास में इसका एग्जांपल भी दिया था। आज मैं इसी एग्जांपल को क्या करूंगा, प्रैक्टिकल के माध्यम से देखूंगा क्या हमारा वो एग्जांपल ऐसे मुझे पूरा फॉर्मेट के रूप में मुझे मिल पा रहा है आउटपुट कि नहीं मिल पा रहा है। वो सारी चीजों को मैं आज आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। तो चलते हैं डियर, स्टार्ट करते हैं अपने नोटपैड को। और यहीं पे अपना हम कोडिंग शुरू कर देते हैं। जैसा कि मैं अभी तक पूरा का पूरा एकदम बेसिक से बताया था, यानी स्टार्ट हम लोग कहां से करते हैं डियर, वही हम फिर से स्टार्ट करना शुरू करेंगे। यानी सबसे पहले मैं अपना टैग इस्तेमाल करता हूं, वो टैग हमारा होगा एचटीएमएल टैग। एचटीएमएल टैग के बाद हमने हेड टैग को डिफाइन किया, फिर हमने क्या किया, टाइटल टैग को डिफाइन किया डियर। और टाइटल टैग को डिफाइन करते ही हमने आपको बताया यहाँ पे टाइटल हम क्या करेंगे डियर, तुरंत जो भी टाइटल देना होगा यहाँ पे हम टाइटल को बिल्कुल दे सकते हैं। अरे यहाँ पे आपका जो है कहने का मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप टेक्स्ट को आपको इनपुट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने टाइटल क्या दिया, इस बार टाइटल में हमारा यार सेम वही रहता है भाई, यूनिक ग्रुप, यूनिक ऑनलाइन, कुछ भी आप दे सकते हो, ताकि आप टाइटल चेंज भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या दे दिया, यूनिक नाम का यहाँ पे, यानी कहने का मतलब यूनिक यहाँ पे मैंने ग्रुप दे दिया आपका, एक टाइटल था। ठीक है, यूनिक ग्रुप मैंने आपको क्या दे दिया, जो कि एक टाइटल के रूप में हमने यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया। और अपने टाइटल टैग को तुरंत हमने क्या किया, बंद कर दिया भाई। टाइटल टैग को हमने क्या कर दिया, तुरंत हमने क्लोज कर दिया, तुरंत इंटर किया। इंटर करने के बाद हमने आपको बताया हेड हमारा ओपन था, हमने हेड को क्या कर दिया, बंद कर दिया। हमने क्या किया भैया, हेड को बंद कर दिया, हेड हमारा क्लोज हो गया। अगर अब हेड क्लोज हो जाए तो बॉडी के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले बॉडी टैग ओपन कर लेना है। सबसे पहले क्या कर लेना है, बॉडी टैग ओपन कर लेना है। और बॉडी टैग जैसे हमारा ओपन होता है डियर, अब हमको क्या करना है, इसी के अंदर कंटेंट डिफाइन करना है। कंटेंट किस टाइप का होगा, आज हमारा कंटेंट कैसा होगा, आज हमारा कंटेंट फॉर्मेटिंग टैग का होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना है भाई, सबसे पहले हमको बोल्ड करना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, बी टैग यहाँ पे लगा दिया। हमको अपने कंटेंट को क्या करना है, बोल्ड करना है। तो हमने क्या अप्लाई कर दिया, बी टैग अप्लाई कर दिया। बी टैग जैसे लगाते हैं, जिसे आपको बोल्ड करना है उसे मैंने यहाँ पे लिख दिया वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन ग्रुप। ठीक है, हमको इसी को बोल्ड फॉर्मेट में देखना है। तो यहाँ पे हमने पूरा लिख दिया वेलकम, ठीक है, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन। पूरा यहाँ पे आप लोग मैटर अपना टाइप कर लेंगे। ठीक है, जहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग करना हो, जहाँ पे बोल्ड करना हो, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन, वेलकम टू यूनिक हमने यहाँ पे टाइप कर दिया ऑनलाइन गुरु, ऑनलाइन गुरु। ठीक है, ये हमारा पूरा स्टेप हो गया भाई। ठीक है, ऑनलाइन गुरु हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। ठीक है, और वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु हमारा ये टाइप होता है। और तुरंत हम क्या करेंगे डियर, यहीं पे तुरंत आपको हमको बता दिए कि तुरंत यहाँ पे अपने बी टैग को क्लोज कर देंगे। यानी हमारा जो बी टैग अप्लाई हुआ है, हमारा जो मैटर आपका बोल्ड हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ हुआ है, आपका पूरा का पूरा कंटेंट यूनिक, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु में हमने अपने बी टैग को यहाँ पे क्लोज कर दिया। बी टैग हमने यहाँ पे जो ओपन किया था उसी लाइन में हमने इसको क्या किया, क्लोज कर दिया। जैसे हमारा बी टैग यहाँ पे क्लोज होता है, तुरंत हमने क्या किया, बॉडी को बंद कर दिया। तुरंत हमने यहाँ पे क्या कर दिया, बॉडी टैग को क्लोज कर दिया। यानी बॉडी हमारा यहाँ पे क्लोज हो जाता है, तुरंत आपका बॉडी क्लोज होते ही एचटीएमएल क्लोज हो जाता है। हमने यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एचटीएमएल को क्लोज कर दिया भाई। एचटीएमएल हमारा क्या हुआ, यहाँ पे देखिएगा, एचटीएमएल हमने यहाँ पे पूरा टाइप किया और अपने टैग को बंद कर दिया। ओके, तो आज मुझे क्या देखना है, इसका आउटपुट क्या मिलेगा, कि हमारा वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु बोल्ड फॉर्मेट में है कि नहीं है। बस आप तुरंत क्या करोगे, फाइल में जाओ, सेव एज ऑप्शन पे जाओ, डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लो, फाइल का नेम दे दो भाई, जहाँ पे रजत था वहाँ पे रमन कर दो। ठीक है, हमने यहाँ पे रमन टाइप कर दिया, रमन डॉट का, यानी कहने का मतलब रमन डॉट एचटीएमएल से हमने क्या कर दिया, अपने फाइल को सेव कर लिया। हमारी फाइल क्या हो गई भाई, सेव हो गई, हमने अपने फाइल को सेव कर दिया।
जैसे हमारी फाइल सेव होती है इसे मैं तुरंत मिनिमाइज करता हूं और इसको तुरंत मैं रन करा के देखता हूं। रमन नाम की फाइल देखिए, इसको डबल ओपन करिए। ये देखिएगा डियर आपका वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु, देखिए बोल्ड फॉर्मेट में आप लोगों को दिख गया होगा भैया, तुरंत आप लोगों को यहाँ पे देखिए आपका वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु बोल्ड फॉर्मेट में दिख गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा यही आपका है जो मैंने आपको बोल्ड करके दिखाया है, ठीक है। तो कहने का मतलब मैंने आपको टाइटल यहाँ पे देखिए टाइटल दिया, टाइटल भी शो हुआ और हमारा जो फॉर्मेटिंग था वो बोल्ड टाइप था। तो आज इतना ही आपका कंप्लीट होता है डियर, इतना आपका कंप्लीट हुआ और आज आप लोग क्या किए देखिए आउटपुट भी देख लिए। अब आउटपुट आपका कुछ नहीं है, अब क्या करेंगे अब इसी को हम लोग क्या करेंगे पूरा कंप्लीट रन करा के चेक कर लिए। ओके डियर।